माशाल्लाह। ये थे जनाबे अशफाक बहराइची साहब के हर गमो आलाम से उसकी रिहाई हो गई, हर गमो आलाम से उसकी रिहाई हो गई, अरे जिसकी सरकारे मदीना तक रसाई हो गई। और सामईने बज़्म ने इतना नवाजा आपको कि एक हफ्ता खाएंगे इतनी कमाई हो गई। बहुत हो दोस्तों, ये थे जनाबे अशफाक बहराइची साहब, बड़े अच्छे अंदाज में आपने समाप्त किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दोस्तों कि नबी की सुन्नतों को आम करता हूं, मैं अदब से पठन पूरा वालों को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हाजिरीन, सामाईन, मुंतजमीन, मुआविनीन, मुआफिकीन, पर्दा नशीन इस्लामी खवातीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौ निहाल शहजादों, आका के दीवानों, पठन पूरा के नौजवानों, नेमतुल्लाह रहमानी को पहचानो। माशाल्लाह, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं पठन पूरा की सरजमीन पर मौजूद हूँ। मैं बारहा प्रोग्राम में रहता हूँ। हजरत मौलाना एजाजुल हक साहब कासमी अल्हम्दुलिल्लाह बारहा मुलाकात होते रहते हैं, लेकिन आज बहुत खुश नसीबी है कि हजरत के इलाके के अंदर गामेजन हूँ। इंशाल्लाह बुजुर्गों की दुआओं से यकीनन यहाँ से मेरी निजामत इंशाल्लाह कामयाब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इकरामुल हक साहब का कि इन्होंने आज के इस जलसे की निजामत की नाकाबिले बर्दाश्त की जिम्मेदारियों का बोझ इस नातवा कांधे पे रखा गया। इंशाल्लाह मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि आपके ख्याल और फिक्र का रुख मदीना शरीफ की तरफ मोड़ कर आपकी समाज का मेयार आला करने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह हमारे बीच हिंदुस्तान के मशाहीर, उलमा, खुतबा, नुकबा, शोरा तमाम इंशाल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज है। इंशाल्लाह यके बाद दीगरे में तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आप लोग सुनने के मूड में हैं? जी, एक बार दोनों हाथों को फिजा में लहरा के नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह। वो पीछे वाले जो बैठे हुए हैं वो क्या जलसा सुनने के लिए आए हैं? जी, पीछे वाले जलसा सुनने के लिए आए हुए हैं जी, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आगे आ जाए आप लोग। माशाल्लाह अगर जलसा सुनने आए तो आप लोग आगे आ जाए, थोड़ा सा घसक जाए, ये बीच में जो खलल है इसको पूर कर ले आप लोग। आ जाए थोड़ा सा आगे आ जाए भाई, इस तरह बैठे हुए ऐसा लग रहा है बराती में भोज खाने के लिए आए हैं। थोड़ा सा आगे आ जाए भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सामईन है यहाँ के। आ जाए भाई, रजाकार हजरात से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा देख ले। अच्छा, कितने हजरात हैं जो नबी से मोहब्बत करते हैं? कितने हजरात नबी से मोहब्बत करते हैं? जी, तो ऐसे नहीं, नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार हैं? जी, कितने हजरात जान देने के लिए तैयार हैं? माशाल्लाह, यहाँ पर जान नहीं मांग रहा हूँ, एक बार सब अपने अपने जगह से खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए अगर नबी से मोहब्बत करते हैं तो, अगर नबी से मोहब्बत हो जाए तो खड़े हो जाए एक बार। ये पीछे वाले अब तक बैठे हुए ऐसा लग रहा है बज़्मे नबीए पाक जो भी सजा रहे हैं, अरे जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं, और जलसा में आके चुपचाप बैठे हैं उधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। क्या बात है, आप जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा आ जाए आगे, एक एक कदम जहां में जहां तक जगह पाइए खिसकते खिसकते चले आइए। माशाल्लाह थोड़ा सा आगे आ जाए, देखिए कितने अच्छे लोग हैं। माशाल्लाह बहुत खुशी मिली माशाल्लाह कि आप लोग यहाँ के लोग बात भी समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आइए, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसलिए कि जनाब हजरत मौलाना इकरामुल हक साहब ने निजामत कर ही दिया। दोस्तों इस वक्त जो है मुझे चार दिन यहाँ से लगातार जागना है, कल मैं चंपारण की सरजमीन पर जाऊंगा, इसलिए सोचता हूँ कि जब इकरामुल हक साहब ने इतनी बेहतरीन निजामत की है तो दोस्तों यहाँ से मेरी हिम्मत नहीं करनी कि अब निजामत करो,
है कि नहीं, लेकिन थोड़ी सी मोहब्बत थोड़ी सी मोहब्बत इंशाल्लाह यहाँ से आपकी लेने की कोशिश करता हूँ। और स्टेज पर माशाल्लाह मुल्क हिंदुस्तान के चहीते मुकर्रर नौजवानों के दिल की धड़कन जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्ला गाजी चतुर्वेदी जो मेरे दोस्तों पूर्णिया की सरजमी से तशरीफ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। और एक और शायर जो आपके बीच से भी रुखसत हुआ, मुल्के हिंदुस्तान का एक चहीता शायर जनाब अशफाक बहराइची साहब, माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ और तमाम असातिज़ाए किराम स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, यहाँ से मैं एक शेर देने की कोशिश करता हूँ, हिफाजत आप लोग करेंगे कि खैरो बरकत का खजीना देख लेना चाहिए। अब आप लोग मिश्रा लगाएंगे, देखते हैं कितने हजरत मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर मसलहुद्दीन साहब माशाल्लाह। मैं डॉक्टर का बहुत एहतराम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि जब अल्लाह नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन जब डॉक्टर नाराज होते हैं तो डायरेक्ट अल्लाह के पास भेज देते हैं जी, इसलिए डॉक्टर साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि खैरो बरकत का खजीना अरे देख लेना चाहिए, गुंबदे खजरा का जीना देख लेना चाहिए। माशाल्लाह देखिए हमारे भाई बहुत बेदार है माशाल्लाह, कि खैरो बरकत का खजीना अरे देख लेना चाहिए, गुंबदे खजरा का जीना देख लेना चाहिए। और पूरी जिंदगी में कम अज कम एक बार मेरे दोस्तों अपनी आंखों से मदीना, अभी भी पूरा मजमा नहीं बोल रहा माशाल्लाह, देखिए बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, लेकिन कोशिश ये करें कि थोड़ा सा आप लोग भी आने जाने की कोशिश करते रहे, इसलिए कि सारे पुराने नोट से कर लो समझौता, नया नया हर पीस उठाकर ले जाओ। सुना है शायर के पैसों में बरकत होती है, अरे दस रखो पीस उठाकर ले जाओ, है कि नहीं? तो ये काम भी करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा आप ही का होगा दोस्तों, कि खैरों बरकत का खजीना अरे देख लेना चाहिए, गुंबदे खजरा का जीना देख लेना चाहिए। और पूरी जिंदगी में कम अज कम एक बार मेरे दोस्तों अपनी आंखों से मदीना देख लेना चाहिए। आइए दोस्तों एक शेर और पढ़कर मैं जनाब खालिद सैफुल्लाह चतुर्वेदी तक इंशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करूंगा, सिर्फ एक शेर में पढ़ता हूं। कितने हजरत एक बार हाथ उठाकर बता दे कितने हजरत नहीं सुनेंगे जी, अब कितने हजरत सुनेंगे एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाकर फिजाओं में कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिए आप लोग इसी तरह से फिट रहे ताकि मैं भी फिट रहूं, उसके बाद इंशाल्लाह आज ऐसा ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में जाके शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ये पठन पूरा का प्रोग्राम हिट हो जाएगा। आइए यहाँ से जो मेरा मूड जो है चेंज हो गया है, मैं सोचता हूँ एक शेर जो है डॉक्टर साहब के हवाले से दाग देता हूँ, है कि नहीं? सुनेंगे लेकिन दाद आप लोग देंगे। डॉक्टर मसलहुद्दीन साहब, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि कहीं भी आपके तवज्जो से कोई ऐसा इतना खतरनाक शेर नहीं पढ़ेगा जी। मैं ये शेर जब महसूल की सरजमीन पर पढ़ा था तो जियाउर रहमान साहब ने 500 के नोट से इनाम नवाजा था मुझे जी। नहीं शेर के अंदर भी शेर बहुत खतरनाक शेर है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और कारी डॉक्टर मसलहुद्दीन साहब को आप देखेंगे कितने का नोट लेकर आ रहे हैं जी, कि सिर्फ फुनगी ही नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, कसम खुदा की बड़ा खतरनाक शेर है, कि सिर्फ फुनगी ही नहीं अरे जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। और जनाबे डॉक्टर मसलहुद्दीन साहब की बुराई कहीं मत करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा, अरे जनाबे डॉक्टर मसलहुद्दीन साहब की बुराई कहीं मत करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। माशाल्लाह ये तो बहुत सस्ता में निपटा लिया जी, ये तो कम से कम मैं सोच रहा था कि कुछ और ज्यादा आएगा लेकिन बहुत कम आया। आइए जी अच्छा बैठे हुए हैं अभी, तो एक शेर और मैं पढ़ देता हूँ।
दोबारा मौका मिले ना मिले ठीक है कि नहीं, लास्ट में जो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, मैं पहली मतलब अभी खड़ा हूँ इसलिए 5 से 10 मिनट में ले रहा हूँ ठीक है, इसके बाद जो है मौका नहीं मिलेगा मेरे से शेर सुनने का, इसलिए कि आपको चंपारण साथ में चलना पड़ेगा शेर सुनने के लिए। जी माशाल्लाह यहाँ पर हमारे कुछ साथी हजरात बैठे हुए हैं, मैं तमाम लोगों से शिरकत चाहता हूँ और एक शेर मैं आपके हवाले से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनेंगे आप लोग जी, के खुशी देना कभी मातम न देना हम सब लोगों को, लेकिन ये शेर डॉक्टर मुसलीउद्दीन साहब के हवाले पढ़ रहा हूँ, के खुशी देना, गुलफाम भाई इस्लामिक मुशायरा मीडिया यहाँ पर मौजूद है इंशाल्लाह ये आपको कवरेज करेंगे, इस्लामिक मुशायरा मीडिया जो इस वक्त दोस्तों मीडिया तो बहुत पैदा हुआ, जिस तरह बरसात में मेढक मिल जाएंगे इस तरह भी मीडिया मिल जाएंगे आपको, लेकिन दोस्तों इस्लामिक मुशायरा मीडिया इस वक्त जो है मीडिया के सीने पर चढ़कर अभी जो है काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सीतामढ़ी की नुमाइंदगी इंशाल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान में छोटे छोटे शहर को बड़ा बनाने में दोस्तों ये इस्लामिक मुशायरा मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर, तो माशाल्लाह गुलफाम भाई हमारे कवरेज कर रहे हैं, के खुशी देना कभी मातम न देना, अरे खुदाया इनको कोई गम न देना, और मसर्रत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना, अरे मसर्रत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना। डॉक्टर साहब भी सोच लिए कि देखते कितना मर्तबा ये शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं भी ऐसा नाज़िम हूं कि जब तक 500 का नोट नहीं आएगा मैं शेर पढ़ता रहूंगा जी, मैं पूरी रात पढ़ता रहूंगा मैं शेर जी, लेकिन दोस्तों इंशाल्लाह अगर अभी नहीं है तो पहचान ले सकते हैं, मैं दूसरे राउंड में इंशाल्लाह आपके हवाले से शेयर करूंगा, लेकिन आइए इस वक्त हमारे उलमा इंतजार कर रहे हैं इंशाल्लाह, दोस्तों यके बाद दिख रहे मैं इसी तरह आपको रिलैक्स करता रहूंगा, हमारे पैकेट में जो है एक से एक माशाल्लाह, ये देखिए थोड़ा कवरेज करिए डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जब ये नजर पड़ गया था समझ गए, इसलिए सोच रहा था कि एक मेरे पास भी आ जाए है कि नहीं, ताकि मेरा भी किराया निकल जाए, वरना अक्सर प्रोग्राम में ये होता है डॉक्टर साहब 500 का नोट दिए माशाल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, वरना अक्सर ये होता है कि जिसको इश्क़े सरकार खलता नहीं है अरे वो दोज़ख की आग में जलता नहीं है, और हम सब पढ़ते हैं मेहनत से नाते मोहम्मद, फटा नोट मत देना चलता नहीं है कि नहीं।